जो लोग सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते उन लोगों को एक एक्सरसाइज करनी चाहिए, खाली जिस तरह की एक ऊंचा बेड है या कोई टेबल है उस पर बैठिए और टेबल के नीचे का जो हिस्सा है ना वो खाली होना चाहिए, उसके ऊपर अपने घुटने को खाली चलाएंगे इस तरह, यानी नीचे की तरफ आपका पैर मुड़ेगा, जैसे बच्चे हिलाते हैं ना पैर ऐसे ऐसे, उस तरह आपको पैर हिलाना है खाली, क्योंकि वजन आपका ले नहीं रहा है, वजन बहुत ज़्यादा है, वजन आपका घट भी नहीं रहा है ना, आप घटाने की कई बार कोशिश करते हैं, कुछ लोग घटाने की कोशिश करते हैं वो नाकाम रहते हैं, चीज़ें सारी है एक जगह पे, आपको उस तरह घुटने को खाली घुमाना है, जब आपका घुटना खाली घूमता है आपको दर्द होएगा, धीरे धीरे करके वो दर्द खत्म हो जाए, फिर क्या करना है आपको 500 ग्राम या 700-800 ग्राम एक किलो तक आप वेट ले सकते हैं, उस वेट को पैर पे बांध लीजिए, उसके बाद पैर को उठाइए धीरे धीरे नीचे करें, स्टार्टिंग में आपको धीरे धीरे करना है, सुबह शाम ऐसा आप स्टार्टिंग में करेंगे 20-30 से शुरू करके आप 200-200 बार कर सकते हैं, धीरे धीरे करके आपको टाइम बढ़ाना है और आपके टांगों को हिलाना जो है उसकी जो स्पीड भी आपको ठीक ठीक रखनी है, ज़्यादा नहीं कि आपने ऐसे ऐसे करके किया और फारिक, नहीं, आराम से करनी है आपको एक्सरसाइज, जो कसरत है ये आराम से करनी है, घुटने की आप हल्के हाथ से मसाज करेंगे, आपका कोई सरसों का तेल है या कोई और तेल है उसका आप यूज़ करके धीरे धीरे करके आप उसकी मसाज करेंगे, घुटने का दर्द उसे आप देखेंगे कम होने लगेगा, आपका ब्लड जो सर्कुलेशन है यानी खून का दौरा है घुटने के आसपास अच्छा हो जाएगा, मसल में स्ट्रेंथ आएगी यानी हल्की हल्की ताकत आएगी, जो आप बोलते हैं ना नसों में ताकत आ गई दवाई लेने के बाद में, वो ताकत आपकी मसाज करने से आ जाएगी, आपको दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बात करते हैं कैल्शियम की, सुबह सुबह की जो एक घंटे की धूप है वो आपको भरपूर विटामिन देती है, भरपूर कैल्शियम देती है, आप उसमें बैठिए सुबह सुबह एक घंटे, अच्छे अच्छे दर्द धूप में बैठने मात्र से ठीक हो जाते हैं, घुटने की जो शिकाई है आप गर्म करें, किसी बोतल में पानी ले लीजिए या कोई हॉट पैक है, कोई जेल पैक है या कोई एक थैली आती है जिसमें पानी डाल के आप सेकते हैं, उससे भी आप अपने घुटने को सेक सकते हैं, गर्म से सेकिए, ज़्यादा गर्म नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं लगना चाहिए, नॉर्मल करिए, ऐसा नहीं है कि घुटना बिल्कुल जला लो आप जल्दी ठीक होने के चक्कर में, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे बीमारी अपनी रिकवरी लगती है, आप देखेंगे धीरे धीरे घुटने में आपके स्ट्रेंथ महसूस हो रही है और दर्द जो है आपका कम हो रहा है। तीसरा, आप आ नहीं सकते तो आप मैग्नेट यहाँ से मंगवाइए, यहाँ से कंसल्टिंग कॉल कीजिए, आपको कंसल्ट किया जाएगा और साथ में मैग्नेट भेजे जाएंगे, साथ में आप मैग्नेट से लगाइए, उनसे भी दर्द आपका बहुत जल्दी घटेगा, नया ग्रीस बनने में आपकी सहायता होगी और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका घुटने का जो गैप है वो बढ़ रहा है यानी ठीक हो रहा है आपका घुटना, ग्रीस आपका बनना शुरू हो गया। और कोई सवाल है तो मुझे बताएं आप, सीढ़ियाँ ना चढ़े, जिन लोगों को सीढ़ियाँ चढ़ने में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत दर्द है तो आप सीढ़ियाँ चलते रहें। पांचवीं छठी चीज़ ये है कि आपको रेस्ट नहीं करना है, ये उसी तरह आप कोई भी नई साइकिल बाइक लीजिए उसको खड़ा कर दीजिए, आप उसको यूज़ नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी बिल्कुल, तो आप उसको घुटने को थोड़ा थोड़ा चलाते रहें, कितना भी दर्द हो चाहे आप 10 कदम चलो चाहे 20 चलो, तो ये चीज़ भी आपको देखनी है, खड़ी खड़ी रखेंगे कोई भी चीज़ जिस तरह बाइक गाड़ी तो वो ख़राब हो जाती है, घुटना भी इस तरह आप यूज़ में नहीं लेंगे तो आपका बिल्कुल ख़राब हो जाए, घुटने को यूज़ में लीजिए, जो मैंने बताया ना कि आपको खाली चलाइए घुटने को, खाली चलाते रहिए, तो उसमें क्या है घुटना आपका चलता रहेगा, वेट के साथ नहीं तो सिंपल चलता रहेगा, इसमें भी आपको दर्द में आराम मिलेगा। गर्म की शिकाई मैंने आपको बता दी, विटामिन कैल्शियम कैसे लेना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ग्रीस कैसे कम होगा उसको कैसे बढ़ाना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़ा सा एक्यूप्रेशर और आपको मैं बता देता हूँ, दोनों उंगलियाँ बीच वाली हमारी और बीच वाले ज्वाइंट, इन दोनों को आपको दबाने हैं ऐसे ऐसे करके, किसी पॉइंट से भी दबा सकते हैं, किसी जिमी से भी दबा सकते हैं, किसी पॉइंट को जिमी से दबा सकते हैं, ऐसे हाथ से भी दबा सकते हैं, इनको दबाने से भी घुटने में आपको राहत मिलेगी। इसी तरह पैर की बीच वाली दोनों उंगलियां और बीच वाले ज्वाइंट को आप ऐसे ट्विस्ट करिए ऐसे करके, ठीक है। अब है पैर के अंगूठे के साथ वाली उंगली, पैर के अंगूठा जो है उसके साथ वाली उंगली, इंडेक्स फिंगर, नाखून के दोनों कॉर्नर है, उनके दोनों कॉर्नर पे आपको प्रेस करना है, जो डॉक्टर साहब आपको बताएंगे अच्छे से डिटेल में। ये हमारा अंगूठा है, इसके साथ में जो उंगली है ये हमारा नाखून बना हुआ है, इसके यहाँ किनारे से अगर आप प्रेस करेंगे साइड से इसको, तो आपको आराम मिलेगा दोनों पाँव में, जिस घुटने में आपको दर्द है उसी में, अंगूठे के साथ वाली उंगली नाखून के साइड से आप पकड़ के इसको प्रेस करेंगे तो आपको इसमें आराम मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप कुमार है, SMT क्लिनिक हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पर गर्दन दर्द, कमर दर्द, घुटने का दर्द या आपके हाथ पैरों में दर्द है,
नज़ला है, एलर्जी है, साइनस है या फिर आपको दमे की शिकायत है, इस तरह की बीमारियों का इलाज बिना किसी गोली दवाई इंजेक्शन सर्जरी के किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ मैग्नेट थेरेपी और एक्यूपंचर से ट्रीटमेंट किया जाता है। अब तक SMT क्लिनिक 18,500 प्लस नज़ले के मरीज व 12,800 से ऊपर दर्द के मरीजों को ठीक कर चुका है। 10,000 के आसपास एलर्जी व अन्य मरीजों का इलाज कर चुका है। SMT क्लिनिक किसी प्रकार की कोई गोली, कोई दवाई, कोई इंजेक्शन व सर्जरी नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल तरीके से मरीजों का इलाज करता है। अगर आप भी इस तरह की किसी बीमारी से परेशान हैं तो एक बार जरूर ट्राई करें। थैंक यू।